फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स देखिए, हम सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और फेसबुक में जो वीडियो चलता है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा डाटा कंज्यूम करता है और इस वजह से क्या होता है, जो मोबाइल इंटरनेट डेटा रहता है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो फेसबुक में मैं आपको एक सेटिंग्स बताने वाला हूँ, सिंपल सा सेटिंग्स है, इस सेटिंग्स को आप कर लीजिए तो देखिएगा जो डेटा कंज्यूमिंग रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आपका जो डेटा है बहुत ही देर तक चलेगा। तो यानी आप समझ सकते हो कि 50% ज़्यादा चलने वाला है। तो सेटिंग्स को आप कर लीजिए। तो सेटिंग्स करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो आप इस पेज को फॉलो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सेटिंग्स को कहने के लिए आप सिंपली मोबाइल ओपन करके आपका जो फेसबुक है फेसबुक ओपन कर लीजिए। तो ओपन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलेगा लोगो का, देखिए इसमें आपको राइट साइड में लोगो का ऑप्शन मिलेगा, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो मैंने मार्क कर दिया। तो इस सेटिंग्स के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर आपको ऑप्शन मिलेगा मीडिया का, तो आप देख सकते हो मीडिया का ऑप्शन है, तो इसमें क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इस टाइप से शो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इधर आप देख सकते हो ऑप्टिमाइज्ड और नीचे है डेटा सेवर। तो डेटा सेवर ऑप्शन में आप देख सकते हो यूज अप टू 40% लेस डेटा बाय रिड्यूसिंग वीडियो क्वालिटी, यानी आपका जो वीडियो आपका शो होता है फेसबुक में उसका क्वालिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा, जो रिजोल्यूशन है वो कम हो जाएगा और आपका जो डेटा है वो 40% आपको मतलब बच जाएगा, मतलब कम लगेगा। पहले अगर 100% लगता था, अभी आपको मतलब 60% लगेगा, 40% ही रह जाएगा। देखिए लगभग 50% आपका डेटा मतलब रह जाएगा। फिर आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए इधर जो ऑटो प्ले का, तो ऑटो प्ले में आपको मतलब कभी भी वाईफाई में भी नहीं रखना है और डेटा में भी नहीं रखना है, आपको नेवर ऑटो प्ले वीडियोस इस ऑप्शन में रखना है और जब भी आपको लगे कि ये वीडियो मुझे देखना है उसमें क्लिक करके ही आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ऑन मोबाइल डेटा या वाईफाई इस ऑप्शन को चूज कर लेते हो तो क्या होता है, जो वीडियो है ना वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। तो ऑटोमेटिक प्ले होने से जो आपका डेटा है वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसमें जो डेटा है वो कंज्यूम कर लेता है, वो आपको मतलब वो वीडियो आपको देखना ही नहीं है लेकिन ऑटो प्ले होके वो ओपन हो जाता है। तो इस वजह से आपको नेवर ऑटो प्ले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो ये दो सेटिंग हो गया, सिंपली दो सेटिंग है, इस दो सेटिंग्स को कर लीजिए। और इसमें आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए ऐप अपडेट, तो ऐप अपडेट इस ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटो अपडेट फेसबुक, तो इसमें ऑन है आप देख सकते हो, तो इसको ऑफ कर दीजिए। तो सिंपली इसमें ऑफ कर दीजिए, मतलब कोई ऑटो अपडेट नहीं होगा। जब अपडेट आएगा तो देखिए नोटिफिकेशन में ऑन किया गया है तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जाएगा कि हाँ आपका फेसबुक में अपडेट आ चुका है। तो ऐसा भी बहुत दिन ऐसा हो जाता है कि आपका जो डेटा रहता है पार्ट डे के हिसाब से वो ख़त्म नहीं होता है, तो उस दिन आप अपडेट कर लीजिएगा। तो ये जो दो तीन चीज़ें मैंने आपको दिखाया तो इसमें ऑन ऑफ कर लीजिए, देखिएगा आपका जो डेटा है बहुत लॉन्ग टाइम तक चलने वाला है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।